अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और आज का मेरा लेक्चर फिजियोलॉजी पे है, रीनल फिजियोलॉजी पे बेसिकली। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा, जो फार्म डी में काफ़ी बार पास पेपर में पूछा जा चुका है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का भी आता है, 15 मार्क्स का भी आता है फिजियोलॉजी में स्पेसिफिकली। तो ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, और GFR। एंड GFR में लिखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन रेट, ये दो अलग चीज़ें हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है क्या, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन के ना, यूरिन फॉर्मेशन की तीन स्टेजेस होती हैं। एक होता है GF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। ये तीन है जिनसे यूरिन फिर फॉर्म होता है। यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यूरिन फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें या यूरिन फॉर्मेशन बताएं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। अगर यूरिन फॉर्मेशन पूरा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के फैक्टर्स नहीं बताने पे। फिर उसके बाद ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन, तो मेरा जो मेरा अगला टॉपिक होगा, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लड इज फिल्टर्ड वाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे किडनी किडनीज का जो मेन पर्पज है ना, वो ब्लड क्लेंजिंग है, ठीक है ना, ब्लड को क्लीन करना असल में। तो किडनी क्या करती है, ब्लड को क्लीन करती है, ठीक है। ब्लड कॉन्टेंट जो होता है वो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर के थ्रू या सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू जाता है किडनीज के अंदर, किडनीज के फंक्शनल यूनिट के अंदर जाता है। किडनीज का आपने ब्लड फ्लो पढ़ा होगा, सबसे पहले सेगमेंटल वो आर्टरी होती है, इंटरलोबार, इंटरलॉब्यूलर, फिर आर्कुएट, ये सारी आपने पढ़ी होगी एनाटॉमी में। जो एंड पे होता है, जो एंड पे हमारी आर्टरी बचती है, वो होती है एफेरेंट, ए से, ठीक है। एफेरेंट आर्ट्रियूल क्या करती है, वो फंक्शनल यूनिट यूनिट में एंटर होती है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। और वो किस तरह होती है, वो फंक्शनल यूनिट में सबसे पहले एंटर होती है यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ठीक है। यहाँ से जो पहला फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद हो जब हो फिल्ट्रेट तैयार हो जाता है और यहाँ आ जाता है फिल्ट्रेट, तो फिर ये सारा जो फिल्ट्रेट हो चुका होता है वो तो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन में चला जाता है ना, प्रोक्सिमल, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कनेक्ट कलेक्टिंग डक्ट। जो बच जाता है, मतलब कि फिल्टर नहीं हुआ होता, जिसमें क्या होता है, जो फिल्टर नहीं होती चीज़ें उसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोटीन्स होती हैं और ब्लड सेल्स, ये फिल्टर नहीं होते, बाकी प्लाज्मा सारा फिल्टर हो जाता है। जो फिल्टर नहीं होते वापस ब्लड में शामिल हो जाते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल्स, फिर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, और फिर रीनल वेन के थ्रू वापस ये ब्लड की सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं। तो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में अकर हो रहा हो, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस इज वेल सुटेड फॉर फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना, वो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल, फिल्ट्रेशन कैपिलरीज और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये कैपिलरीज से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से और पोडोसाइट से, ये तीन चीज़ें से मिलकर एक मेम्ब्रेन बनता है, टफ मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके बारे में पढ़ना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर किस तरह होती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू। अब वो क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो ये कैपिलरीज हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी आपको बताना है मैंने, जो एफेरेंट आर्टरियूल्स के थ्रू ब्लड आ रहा होता है ना, वो कार्डियक आउटपुट का 26% होता है, ठीक है, इसने ही कहते हैं फिल्टर होना होता है, ठीक है। अब 26 में से क्या होता है कि 26 का अगर 100% ले तो उसके अंदर से जो 80% होता है ना, वो वापस मूव कर जाता है ब्लड के अंदर, और 20% फिल्टर हो जाता है, मतलब कि ये जो आएगा ये 20% है, ठीक है। फिर ये 20% प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन, तो इसके बाद सिर्फ 1% यूरिन बन जाता है और 19% वापस रीऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मैंने यहाँ इन तीनों, मतलब कि ये जो मैं बताऊँ, तो एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, इन तीनों को, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में तीन यूनिट्स होते हैं। एक है कैपिलरी वाला पार्ट, ठीक है, कैपिलरी वाले पार्ट में कैपिलरीज है, तो वो वेजल्स हैं, उनकी जो लेयर होगी उसको हम एंडोथेलियल सेल्स कहेंगे। फिर उसके बाद आता है ये टफ सा जो ब्लैक रंग का मैंने शो किया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ मैंने ब्लू से शो किया है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये फुट लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, पोडोसाइट्स को डिफाइन करते हैं फुट लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। फुट लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये सर्फेस एरिया को इंक्रीज करने में मदद देती हैं। तो ये है पोडोसाइट सेल्स, ठीक है ना, पोडोसाइट्स कह लें मतलब पोडंकल सेल्स, ठीक है। सो ये मैंने तीन लिख दी, ये जो तीन है ये असल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करवाती हैं। सो मैंने नोट लिखा हुआ, प्रोटीन्स एंड सेलुलर कंपोनेंट्स जिसमें RBCs और वाइट ब्लड सेल्स आते हैं आर नॉट फिल्टर, ये फिल्टर नहीं होते, दिस इज बिकॉज ऑफ थ्री बैरियर्स। ये क्यों होते हैं, तीन बैरियर्स की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ना इस जगह पर मैं एक और चीज़ मेंशन करता हूँ, कैपिलरीज के साथ ना ये डॉटेड मैंने कुछ चीज़ें शो की है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो मिल जिनके जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट्स, ये चार चीज़ें, ठीक है। हर एंडोथेलियल सेल के बीच में एक स्पेस होती है, उसको कहते हैं फेनेस्ट्रेशन या फेनेस्ट्रा, और 0.1 ये माइक्रोमीटर्स तक इनकी वो रेंज होती है। इससे ज़्यादा अगर कोई मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, समझे प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये अंदर नहीं जाएगी, ये वापस कहाँ शामिल हो जाएगी, ब्लड में इफेरेंट आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है। ब्लड के जो एंडोथेलियल सेल है ना, ये असल में साइज बैरियर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन चार्ज बैरियर, पोडोसाइट्स इंडिविजुअली ये फिल्ट्रेशन में मदद करता है। सो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
सबसे पहला जो बैरियर है वो साइज बैरियर। साइज बैरियर नेम से जाहिर है, मतलब कि साइज की रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो फिल्ट्रेशन हो रही होगी उसको हम साइज बैरियर कहते हैं। स्मॉल गैप्स 0.1 माइक्रोमीटर्स तक होते हैं और फेनेस्ट्रेशन जिन्हें कहते हैं। तो जाहिर सी बात है प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है वो फॉरन इफरन आर्टिकल्स के थ्रू सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है, वो फिल्टर नहीं होते हैं। चार्ज बैरियर क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज। जो यहाँ पर शो करवा देता हूँ यहाँ पर ताकि और ईजी हो आसानी हो जाए आपको, यहाँ पर ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर भी, मतलब कि पूरा जो लेयर होती है ना ये नेगेटिवली चार्ज होती है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होती है, इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीओग्लाइकन एंड हेपरिन सल्फेट, इनकी वजह से। अब नेगेटिव चार्ज अगर कोई चीज़ होगी तो वो यहाँ पर एंटर किसको होने देगी, पॉजिटिव को, ठीक है, ये नेगेटिव लेयर है तो पॉजिटिव को एंटर होने देगी, नेगेटिव को नहीं। और प्रोटीन्स जो होते हैं जो अमाइनो एसिड कह रहा हूँ, प्रोटीन्स की बात करूँ, अमाइनो एसिड तो उनके वो स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं, स्मॉलर डिवीजन होते हैं, जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं वो एज अ होल नेगेटिवली चार्ज होते हैं हमारे रीनल सिस्टम के अंदर, सो वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। ये एमसीक्यूज भी है। सिल डायफ्राम तीसरा है, सिल डायफ्राम पोडोसाइट से मिलकर बनता है, ठीक है। अब पोडोसाइट्स जो होते हैं ना इस तरह फुट लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, ये एक पोडोसाइट है, ये एक पोडोसाइट है, ठीक है, तो इनके दरमियान ऐसे सिल डायफ्राम होता है। वो सिल डायफ्राम क्या करता है, वो भी एक फिल्ट्रेशन बैरियर का काम करता है। सो इससे भी जो चीज़ें गुजरेंगी वो भी साइज़ में थोड़ी छोटी होंगी। और जो लास्ट में बचता है वो फिल्ट्रेट होता है, जो सब कुछ फिल्टर होने के बाद जो बचता है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ जीएफआर। तो यहाँ तक हमारा जो था टॉपिक वो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अब है जीएफआर का टॉपिक। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो पीछे पढ़ लिया लेकिन वो किस रेट पे हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम जीएफआर। इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड इन द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज, इंपॉर्टेंट है, बोथ किडनीज से जो भी फिल्ट्रेशन हमें एक रेट पे मिल रहा होगा उसको कहेंगे जीएफआर। अब किस रेट में मिल रहा होगा, या तो 125 मिलीलीटर पर मिनट, एक मिनट में 125 मिलीलीटर हर टाइम फिल्ट्रेट हो रहा होगा ब्लड, ठीक है, और 180 लीटर पर डे। ये दोनों एमसीक्यूज हैं, डे के लिहाज से, मिनट के लिहाज से। और एक और एमसीक्यू से ये भी याद रखना है, ये बोथ किडनीज की बात की है। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वन किडनी फेलियर, सिंगल किडनी फेलियर, तो व्हाट इज इट्स जीएफआर, हिज और हर जीएफआर, तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो वो तकरीबन 125 का हाफ करें, 62-63 मिलीलीटर पर मिनट होगा उसका जीएफआर। जीएफआर के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, जीएफआर को हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कि वैल्यू किस तरह आई, ठीक है, तो दो तरह के डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हम स्टर्लिंग फोर्स कहते हैं और दूसरी चीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, जिसको केएफ कहते हैं, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन। जो स्टर्लिंग फोर्स है ये वेरी करती है, जिसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। स्टर्लिंग फोर्स ऐसी फोर्सेज होती हैं जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को करवाती हैं। जीएफआर का तो फार्मूला क्या हुआ, जीएफआर इज इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। सो आगे है जीएफआर का, मैंने फार्मूला लिखा, केएफ लिख दिया जिसको कोफिशिएंट है और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसको हम कहते हैं स्टर्लिंग फोर्सेस, और स्टर्लिंग फोर्सेस दो तरह की होती है, एक फेवरिंग फोर्सेस जो फेवर करती हैं जीएफआर को, एक होती है अपोजिंग फोर्सेस जो अपोज करती हैं, मतलब कि फेवरिंग और अपोजिंग इनमें से अगर माइनस करेंगे तो हमें एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मिलेगा जो हमारे जीएफआर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो यह है केएफ, केएफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जीसी से मुराद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कैसी होंगी, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो कितनी स्ट्रेचेबल है, उनका सरफेस एरिया क्या है, वो कितना ज़्यादा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या कोलाइडल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को डील कर सकती हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी स्पेसिफिक, सर्फेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। किसी इंसान में ग्लोमेरुलर कैपिलरी नैरो, उसमें अलग फिल्ट्रेशन रेट आएगा, और किसी में कुछ और, एज अ नॉर्मल ह्यूमन तो वो 12 से लेकर 13 या इनके इन बिटवीन 12.25 तक होता ही हमारा केएफ, ठीक है। तो ये तो एक वैल्यू हमें मिल गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें स्टार्लिंग फोर्सेस को देखना पड़ेगा। स्टार्लिंग फोर्सेस में फेवरिंग फोर्सेस, अपोजिंग फोर्सेस हैं। फेवरिंग फोर्सेस में दो हैं और अपोजिंग में भी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक डायग्राम बनाया, तो ये अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, ये हमारे पास, ये आगे हमारे पास ग्लोमेरुलर, सॉरी बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर यहाँ पर फ्लूइड होता होगा, जाहिर सी बात है ब्लड फ्लूइड है, तो फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो यहाँ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ब्लड का, वो है 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर हो गया 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, विच इज मैंने लिख दिया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर है, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर कुछ जो प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ, तो प्रोटीन्स एज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर जो सलाई होती थी कि वो वाटर को ना एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर को अपनी तरफ खींचती है प्रोटीन, तो ऑनकोटिक प्रेशर इन बेस ये बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर या ऑनकोटिक प्रेशर जीरो होगा। क्यों, वाई ऑनकोटिक प्रेशर इन बेसमेंट कैप्सूल, सॉरी बोमेंस कैप्सूल इज जीरो, क्योंकि जब प्रोटीन इधर से यहाँ आ ही नहीं सकती तो यहाँ पर तो जीरो होगा ना प्रोटीन का प्रेशर, तो ये ऑनकोटिक प्रेशर इन बेसमेंट या बोमेंस कैप्सूल जीरो। अपोजिंग फोर्सेज में क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर बनता है 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेंस कैप्सूल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर जब ब्लड आ जाएगा फिल्ट्रेट होकर, तो यहाँ पर भी कुछ वो फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करेगा, तो वो होगा 18 मिलीमीटर ऑफ एजी। तो हमने फेवरिंग फोर्सेज में से अपोजिंग फोर्सेज माइनस करेंगे ताकि
एक फाइनल फोर्स निकले, फाइनल प्रेशर निकले जिससे GFR डिटरमाइन हो, जिससे GFR रेगुलेट हो। तो इसको पहले इन दोनों को प्लस किया, 60+0 60 आ गया, ठीक है। 32+18 ये क्या आया हमारे पास, 50 आया। तो 60-50 इज 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये है हमारे पास NFP, जिसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो GFR का फॉर्मूला था KF मल्टीप्लाई बाय NFP, तो KF 12.25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आते हैं हमारे पास 122-125 मिलीलीटर पर मिनट। तो यही था हमारा GFR जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली। सो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है GFR का, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ GFR। जब भी GFR का लॉन्ग क्वेश्चन आए GFR का, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का नहीं, GFR का है, तो आपने GFR के डिटरमिनेंट, GFR की डेफिनेशन और रेगुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट और रेगुलेट द GFR। अच्छा, जब भी रेगुलेशन की बात आती है, या तो वो किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट या मतलब कि पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, या तो वो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो दोनों ही एक तरह से रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं GFR को। एक होता है ऑटो रेगुलेशन, जो खुद ब खुद रेगुलेशन हो रही होती है हमारे सेल्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से या सिक्रीशंस की वजह से। और एक होती है मेसेंजियल सेल्स की वजह से GFR की रेगुलेशन। मेसेंजियल सेल्स मैंने आपको बता दिए थे, ये अगर कैपिलरीज हैं तो इनके इर्द गिर्द कुछ सेल्स होंगे, वो किस तरह रेगुलेट करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया। और वो सेल्स की जो टाइप होती है वो कनेक्टिव टिशू। क्वेश्चन आता है इस तरह MCQs में, मेसेंजियल सेल्स आर द टाइप ऑफ टिशू, तो नीचे आपने टिक लगाना है कनेक्टिव टिशू, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिशू। ऑटो रेगुलेशन में सबसे पहला मैकेनिज्म होता है मायोजेनिक मैकेनिज्म, ठीक है। फिर होता है ट्यूब्यूलो, ट्यूब्यूलो से आपको क्या पता चल रहा है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से कोई ना कोई शामिल होगा। ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस अपरेटस भी यूज होगा उसके अंदर, और फीडबैक कुछ ना कुछ वहाँ पर फीडबैक होगी, जिसकी वजह से जो ये ट्यूब्यूल्स फीडबैक देंगी ग्लोमेरुलस को, और उसकी वजह से GFR मेंटेन होगा। तो इसमें जो हमें पता चला वो है RAS, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। तो ये यूज़ होगा हाई प्रोटीन इनटेक की वजह से भी, कैसे ऑटो रेगुलेशन होती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ऑटो रेगुलेशन देख लेते हैं क्या होता है। चेंज इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, अगर माइनर चेंज हो, जिस तरह माइनर चेंज से मुराद नॉर्मल चेंज हो, 70-180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जब तक ब्लड प्रेशर रहता है, तो GFR किसी हद तक हमारा कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर 60 हो जाए नीचे से, मतलब कि डायस्टोलिक प्रेशर 60 हो जाए और सिस्टोलिक प्रेशर 190 हो जाए, तो GFR डिस्टर्ब होने लगता है। तो उसको रेगुलेट करने में फिर ऑटो रेगुलेशन मेंटेन मदद देती है। वो किस तरह मेंटेन करती है वो हम देखते हैं। तीन तरह से होते हैं, सबसे पहले मायोजेनिक मैकेनिज्म। सो मायोजेनिक मैकेनिज्म में देख लेते, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाई है जिसमें ये मैंने आर्टरी शो की है, ठीक है, आर्टरी। सो जब ये समझे, ये मैंने शो की है अफेरेंट आर्ट्रियूल, ठीक है। अफेरेंट आर्ट्रियूल में अगर ब्लड फ्लो, मतलब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ब्लड की हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ना स्ट्रेचिंग होगी। ये स्ट्रेचिंग ब्लड, क्योंकि आर्टरी स्ट्रेचेबल है, वो स्ट्रेच हो जाएगी ऐसे करके स्ट्रेच हो जाएगी। उस स्ट्रेचिंग की वजह से ना क्या होगा, ब्लड फ्लो की वजह से स्ट्रेचिंग होगी। अब उससे क्या क्या होगा वो हमने देखना है। इंक्रीज ब्लड फ्लो कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इंक्रीज ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर हाई है हमारा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ECF टू वेस्कुलर, ये SM लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। ये मैंने शो किया भी ग्रीन लाइनिंग से, स्मूथ मसल लाइनिंग, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं उसमें स्मूथ मसल लाइनिंग होती है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खुद ही हो रही होती है, ताकि किसी हद तक ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाए। जब इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो कैल्शियम आयन की जो यहाँ पर क्या कहते हैं एक्युमुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी। फिर कैल्शियम आयन क्या करेंगे, यहाँ कैल्शियम चैनल्स होते हैं फास्ट और स्लो। ECF ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ECF से कहाँ जाएंगे, कैल्शियम आयन जाएंगे हमारे स्मूथ मसल्स की तरफ। स्मूथ मसल्स की तरफ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कैल्शियम आयन कंबाइन करेंगे कैलमोडुलिन। कैलमोडुलिन एक मॉलिक्यूल है, ये हमने हार्मोन मैकेनिज्म में ही पढ़ा था। ये क्या करता है, सेल के अंदर मौजूद होते हैं कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो एक्टिवेट करता है साइक्लिक AMP को, उसके बाद मायोसिन एक्टिवेट होता है। जब मायोसिन एक्टिवेट होगा तो मैंने बड़े एरर्स शो किया है, खुद ब खुद क्या होगी ऑटो रेगुलेशन, मतलब खुद ब खुद क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगी वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स। जब स्मूथ मसल सेल कंस्ट्रिक्ट होंगे, मतलब कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होगा, ऐसे डायलेट हो रहे थे ना, स्ट्रेच हो रहे थे, वो कंस्ट्रिक्ट होंगे। जब डायलेशन से वो कंस्ट्रिक्शन की तरफ जाएंगे तो ब्लड फ्लो हिंडर जो हो रहा था वो यहाँ पर कम होगा, मतलब ब्लड फ्लो कम हो गया, GFR भी कम हो गया। GFR पहले क्या था, ज़्यादा था, ब्लड फ्लो ज़्यादा था, GFR ज़्यादा था, अब ब्लड फ्लो कम कर दिया, GFR को रीस्टोर कर दिया। तो इसका मतलब मायोजेनिक रिस्पॉन्स ने अपना काम दिखा दिया, GFR को अपने सेट पॉइंट पे ले आया, विच इज़ 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। वैल्यूज़ याद रखनी है आपने। सो नेक्स्ट है ऑटो रेगुलेशन में ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ये मैंने रेनिन एंजियोटेंसिन एलोस्ट्रॉन सिस्टम ही बता दिया था, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। असल में रेनिन एंजियोटेंसिन एलोस्ट्रॉन सिस्टम का दो काम है, एक ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। अगर ब्लड प्रेशर अंडरस्टूड है, देखें ये तो एक बात है IQ वाली, कि अगर ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है तो अंडरस्टूड बात है कि खुद ब खुद GFR भी रेगुलेट हो रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। GFR जो है वो ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर अपरेटस, या जिसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं, वो होता क्या है, पहले ही बताया वो क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, ये अगर हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है, तो यहाँ पर आती है हमारे सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
फिर होती है डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल, ठीक है, फिर यहाँ हमारे पास ये लूप ऑफ एलेपी आती है डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल, ये डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल से कनेक्टेड है, यहाँ पर ना कनेक्शन होता है एफेरेंट आर्ट्रियूल, इफेरेंट आर्ट्रियूल और डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल के थिक पोर्शन का, ठीक है, ये डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल है, ये देखें DCT, और इसके ये वाले सेल्स जो हैं जो अटैच हैं जेजी सेल, और जेजी सेल क्या होते हैं इफेरेंट आर्ट्रियूल और एफेरेंट आर्ट्रियूल के साथ, जेजी सेल और मेकुला डेंसा जो डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल के सेल है, ये मिलकर क्या बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है, आपको पता है यहाँ से ब्लड आ रहा है हर टाइम और यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड आ रहा है तो यहाँ पर कुछ सेंसर्स होते हैं जिनको कहते हैं बैरो सेंसर्स, बैरो रिसेप्टर्स और कीमो सेंसर, कीमो रिसेप्टर्स, कीमो सेंसर्स का काम है सोडियम की इनटेक को सेंसर करना, ठीक है, अगर ब्लड फ्लो यहाँ पर कम होगा इफेरेंट आर्ट्रियूल में या इफेरेंट आर्ट्रियूल में, तो डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल के मेकुला डेंसा और जेजी सेल्स क्या करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो एक्टिवेट कब होते हैं जब सोडियम की इनटेक कम हो, जब सोडियम कम होगा वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और सोडियम कब कम होगा जब ब्लड प्रेशर कम होगा और ब्लड फ्लो कम होगा, तो हम देख लेते हैं आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर कम है फॉर एग्जांपल, तो GFR भी कम होगा हमारा, ठीक है, आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर का मतलब हमारा मीन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर ही कम है, GFR कम होगा, GFR अगर कम होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो की वजह से NaCl कम होगा, यहाँ मैं NaCl को हाईलाइट कर देता हूँ, अब NaCl जो है इन सब का रोल अदा, मतलब NaCl एक तरह से ट्रिगर कर रहा है, अब NaCl कम होने की वजह से दो तरह के सेल्स हैं मैक्यूलर डेंसल सेल्स और जेजी सेल्स, मैक्यूलर डेंसल सेल्स क्या करेंगे जब NaCl को कम नोटिस करेंगे, वो कहेंगे कि अपना NaCl कम है तो वो NKCC सोडियम पोटाशियम डबल क्लोराइड चैनल्स, ठीक है ना, कि चैनल्स होते हैं हमारे, जब मैं पढ़ाऊंगा डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल का टॉपिक, तो डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल के थिक पोर्शन में ये चैनल्स होते हैं जो सोडियम पोटाशियम को साइमल्टेनियसली वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं और प्लस टू क्लोराइड्स के मॉलिक्यूल, तो ये जब मेकुला डेंसा जो है ये जब एक्टिवेट होता है तो ये इनको एक्टिवेट करता है, जब ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद एक्टिवेट होंगे बगैर ATP की, ATP यूज़ नहीं कर रहे तो फिर उससे क्या होगा ATP हाइड्रोलाइसिस हमारे सेल्स में कम होगा, मतलब ATP फिर कम टूटेगा, जब ATP कम टूटता है तो एडिनोसिन भी कम रिलीज होता है, और एडिनोसिन आपको पता है एडिनोसिन इज अ हाई आर्ट्रियुलर डायलेशन एजेंट है जो आर्ट्रियल्स को डायलेट करता है, जब एडिनोसिन कम होगा, ठीक है, सॉरी एडिनोसिन का जो काम है ना मेन पर्पस वो कंस्ट्रिक्ट करता है, हाईली कंस्ट्रिक्ट करता है, जब एडिनोसिन कम होगा यहाँ पर कम है तो आर्ट्रियुल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी उल्टा डायलेट होगी, तो अफेरेंट आर्ट्रियूल डायलेट होगी, अफेरेंट आर्ट्रियूल जब भी डायलेट हो, अफेरेंट आर्ट्रियूल डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, GFR कम था GFR ज्यादा हो गया, मतलब नॉर्मल, ठीक है, अफेरेंट आर्ट्रियूल, अगर इफेरेंट आर्ट्रियूल डायलेट हो जाए या कंस्ट्रिक्ट हो जाए डायलेट हो जाए तो उससे कुछ और होगा, ठीक है, वो यहाँ पर मैं डील करता हूँ, NaCl कम है, जेजी सेल्स ने रिकॉग्नाइज किया कम है, अफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियल्स में जेजी सेल्स होते हैं, रेनिन, NaCl जब भी कम होगा डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबुल रेनिन प्रोड्यूस करेगी जेजी सेल्स में, ठीक है, जेजी सेल्स डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबुल में रेनिन प्रोड्यूस करेगी, रेनिन क्या करते हैं एंजियोटेंसिनो जिन जो इनएक्टिव है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, आपको पता है एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है जो लंग से ACE कन्वर्टिंग एंजाइम आ रहा है वो एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कर देता है, और एंजियोटेंसिन 2 फिर क्या करता है एंडोथेलियल इंस्पेक्ट करके इफेरेंट आर्ट्रियूल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जब इफेरेंट आर्ट्रियूल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी यहाँ से ब्लड आ रहा है तो यहाँ फिल्ट्रेशन में मेंटेन रहेगा जिसकी वजह से GFR नॉर्मल हो जाएगा, तो ये था ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, ये सबको आपने थ्योरी में एक्सप्लेन करना है। लास्ट है ऑटो रेगुलेशन में जो आता है उसको हम कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है, अ पर्सन इज टेकिंग हाई प्रोटीन डाइट तो उसमें GFR इंक्रीज हो जाता है, क्यों सवाल पैदा होता है, मतलब कि प्रोटीन डाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज GFR, जब प्रोटीन डाइट इंक्रीज हो जाएगी तो अमीनो एसिड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स इंक्रीज होने की वजह से एक चैनल होता है कपल जी अब्जॉर्प्शन चैनल, जिस जो अमीनो एसिड प्लस सोडियम की एब्जॉर्प्शन को एक साथ इकट्ठा करता है, ठीक है, जब अमीनो एसिड ज्यादा होंगे तो हाँ भाई जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूबुल जो होगी वो कहेगी कि यार अमीनो एसिड ज्यादा चैनल ओपन हो जाएंगे, जब वो चैनल ओपन होंगे तो सोडियम भी स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज हो रहा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी सोडियम की, जिसकी वजह से डिस्टल अगर प्रॉक्सिमल में ज्यादा है तो डिस्टल में यहाँ पर सोडियम पहले से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो डिस्टल में सोडियम की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो जब डिस्टल में सोडियम की कमी होगी यहाँ पर आपको पता है जेजी सेल्स होते हैं मैक्यूलर डेंसा होता है तो वो फिर से NaCl को कम रिकॉग्नाइज करेंगे या NaCl को कम सेंसर करेंगे, जब वो कम सेंसर करेंगे तो ये सारा कुछ एक्टिवेट हो जाएगा जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया तो GFR फिर से मेंटेन हो जाएगा, तो ये थी हाई प्रोटीन डाइट की वजह से रेगुलेशन। लास्ट पे है रेगुलेशन बाय मेसेंजियल सेल्स, ठीक है, तो मेसेंजियल सेल्स क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये ग्रीन से मैंने शो किए हैं, जो पिंक है ये हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, तो दो तरह के केस हैं, केस वन अगर मेसेंजियल सेल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो क्या होता है डायलेटेशन होती है उनके अंदर तो क्या होता है मेसेंजियल सेल्स देखिए अगर कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ये कंस्ट्रिक्ट का मतलब अगर ये दूर दूर है तो ये पास पास आ जाएंगे जिसकी वजह से कैपिलरीज का साइज सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा, जब कैपिलरीज का साइज और सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा तो कंप्रेस हो जाएंगी जिसकी वजह से GFR भी कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, सिंपल यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इसके उल्टे केस पे चलें तो डायलेटेशन अगर हो तो साइज बड़ा हो जाएगा कैपिलरीज का, एक्सपैंड कैपिलरी हो जाएगी, GFR इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो सिंपल इन चीज़ों से भी हमारा GFR रेगुलेट हो रहा है। अब किस किस एजेंट से कंस्ट्रिक्शन होती है मेसेंजियल सेल्स की, किस किस एजेंट से डायलिटेशन होती है, तो एंडोथेलियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल्स, एंजियोटेंसिन 2 जब प्रोड्यूस होगा, जब ये इफेरेंट आर्ट्रियूल में जाएगा और इफेरेंट में ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनेगा, जब ये अगले साइकिल में जब ये GFR में आएगा तो मेसेंजियल सेल्स डिटेक्ट होंगे और उसके अंदर एंजियोटेंसिन 2 की वजह से कंस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने आप को, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको नॉरएड्रेनालिन कहते हैं, ठीक है, जो एक्सपेंड डायलेशन का जो
प्रोसेस है वो किस तरह होते हैं मेसेंजियल सेल्स में, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जहां पर भी आएगा वहां डायलिटेशन होगी, वैजो डायलेटर है ये बहुत अच्छा, जो ड्रग्स होती हैं जो वैजो डायलेट करती है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रो यूरेटिक पेप्टाइड जिसको ANF भी कहते हैं, नाइट्रो यूरेटिक फैक्टर भी कहते हैं, और डोपामीन और साइक्लिक AMP, ये चार चीज़ें जो डायलिटेशन करवाती है। तो ये था मेरा आज GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, GFR की डिटरमिनेंट्स और GFR की रेगुलेशन के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, 20 मिनट्स 25 मिनट्स का होगा, लेकिन ये आपने जरूर देखना है। एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करके बताया कि सारा आप थ्योरी में लिख देंगे आपको 80% to 90% मार्क्स जरूर मिलेंगे, और पीछे जो मैंने डायग्राम और फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए। तो कोई भी क्वेश्चन क्यों हो कमेंट में आप जरूर पूछेगा। जजाकअल्लाह, आज के लिए इतना ही।